तो तुम्हें कैसा पानी देने ले सबको? चार घर को पानी मिल रहा है, चार घर को पानी नहीं मिल रहा। बहुत ज़्यादा तकलीफ है पानी की यहाँ पर, बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है हमारे तरफ से LNT वालों को। बेलगाम में पानी की किल्लत मुसलसल जारी है। स्मार्ट सिटी में 24 घंटे पानी का दावा खोखला निकला है। कॉरपोरेशन से पानी का टेंडर LNT को दिया गया है। आवाम का कहना है कि LNT पानी के मेंटेनेंस में नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से बेलगाम की आवाम को मुसलसल पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी जमन में कॉरपोरेटर शाहिद खान पठान के वार्ड में खवातीन जमा होकर पानी की किल्लत को लेकर शिकायत की है, जिस पर शाहिद खान पठान ने LNT ऑफिसर्स को मौके पर बुलाकर इस पर बात की है। पेश है एक रिपोर्ट। 20 मिनट या 10 मिनट आता है, उसके बाद में पानी आता नहीं, किसके नल को आता है तो किसके नहीं आता, वो भी रेगुलर मशीन लगाना। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಜು ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಬರುದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಏನು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ನಗರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಳೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಈಸಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು 5.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 24 hours ನೀರು ಮೀಟರ್ ಕುಣಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪೂರಾ 24x7 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2025 March ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 24 hours ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಈಗ ಏನು 24x7 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು March 2025 ಕೊನೆ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಡೆದು ಅಂತಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ ಸರ್? ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಇದೆ. 2 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಂತಂತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 22,000 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಜೂನ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದವನು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಓ&M ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ನೋಡ್ತಾರೆ LNT ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ನೀರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮಿತಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಜೂನ್ವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಚಾರ್ ಹಾಂ ಮೋಟ್ರ ಲಗೇ ತು ಯೋ ಬೈಕಂಗೋ ಪಾನಿನೇ ಆತಾ. मोटर की लगाना, तुम्हें पानी का फोर्स होता देते नहीं. जब तक तुम्हें पानी को फोर्स नहीं देते, लोग मोटर लगा को लेने वाले. तो तुम्हें कैसा पानी देने ले सबको? चार घर को पानी मिल रहा है, चार घर को पानी नहीं मिल रहा. उसका सलूशन क्या? उसका सलूशन तुम्हें कल करो, 2 दिन छोड़ को करो, 4 दिन छोड़ को करो, सलूशन क्या? बहुत हो रही है अभी और क्या क्या यहाँ बोर नहीं है, यहाँ बोर नहीं है, क्या नहीं है, खाली नल्ला का पानी 5-6 दिन में आता है, कभी 8 दिन में आता है, वो भी पानी बारीक, एक नल को आता है, एक नल को नहीं आता. औरतें कहाँ जाना पानी कैसे, क्या टैंकर बेचते हैं पानी वाले? कॉर्पोरेशन के आदमी नहीं बेचते, बोलेगा तो उल्टे बातें. तुम्हें कॉर्पोरेटर को किने बोले? कॉर्पोरेटर को बोले, वो भी बहुत कोशिश करा, पाप इन्हें भी टैंकर मंगा मंगा के दिया बेचारा, उन्हें भी टैंकर बहुत मंगा के दिया हमने, हमारे साथ बहुत साथ दिया कॉर्पोरेटर भी हमारा, पानी के टैंकर भेजा सब करा. आज ऑफिसर साहब थे क्या बोले? अभी 8 बजे करते है, अक्टूबर नवम्बर जैसा टकर रहे, 24 घंटा नल करते है, वो भी नहीं, क्या नहीं इधर, क्या क्या करना, औरतें कहाँ जाना, चलो यहाँ बोर है, क्या क्या है इधर, यहाँ बहुत साल से पानी तकलीफ है, बहुत सारी तकलीफ पानी की है. यहाँ सब जगह है 24 घंटा, यहाँ सुभाष नगर में नहीं है, इबरत नगर में, यहाँ कभी 5 दिन कभी 6 दिन
कभी कभी 8 दिन आता है पानी को, 2 घंटे के ऊपर पानी आता नहीं, 2 घंटे के बाद पानी, किसी ने आया क्या करना, कहाँ जाना, एक घंटा ज्यादा छोड़ने का बोलती जाओ। अभी क्या बोले, यहाँ का वाल खोल के देते, यहाँ का वाल खोल के दिए, पानी की तकलीफ और पानी फास्ट छोड़ते बोले। क्या प्रॉब्लम है वो पानी से इतना लोग बेजार हो चुके हैं, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है पानी की यहाँ पर। बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है हमारे तरफ से एलएनटी वालों को, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने की अंदेशा है पानी की तकलीफ़। अभी आने के बाद सभी तकलीफ़ात बताने के बाद भी इनका हाल यही है कि ये वक्तन फवक्तन आकर तसल्ली देकर जाते हैं। खास कर ये जो गर्मी का सीज़न आ रहा है, अभी सीज़न चालू भी नहीं हुआ और इन्होंने बोलना चालू कर दिया है कि पानी डैम में कम हो चुका है। हालांकि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुका था और कई सारे ऑफिसर हो, एमएलए हो, जितने सभी लोगों ने बयान दिया था कि इस साल पानी की तकलीफ नहीं होगी। अगर हो रही है तो सिर्फ एलएनटी की मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रही है। क्या मसला है एलएनटी का, समझ में नहीं आ रहा, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है या वो करना नहीं चाहते या वो उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। वो पुराने ही वाटर बोर्ड के ऑफिसरों को लेकर काम कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस उनके पास जीरो है इस लाइन का। तो ये आपका वार्ड है और पब्लिक का आपसे डिमांड है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, एलएनटी वालों से बात हुई आपकी? एलएनटी वालों से बात होकर अभी ऑलरेडी हमने मेन 24 आवर्स की पाइपलाइन डाल चुके हैं। आने वाले दिनों में हमारा इरादा है कि बारिश से पहले पहले 24 आवर्स पूरा इंस्टॉल किया जाए, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद भी डाउट है कि ये लोग सही करेक्ट तरीके से पानी देंगे। तो इसके लिए आपका क्या एकदम होगा? हमने जो सुभाष नगर एक ऐसे नहीं, मैं अभी आने वाले दिनों में थोड़े कॉरपोरेटर्स को लेकर कॉरपोरेशन कमिश्नर पास जाऊँगा और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन उनसे तलब करूंगा, क्योंकि पिछले एक साल भी आप जानते हैं कि पिछले साल गर्मियों में भी बहुत हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पानी के लेकर। काफ़ी सारी मेहनत होने के बाद भी एमएलए भी उतना ये हमें सही रिस्पांस नहीं दिए। वीरभद्र नगर ऐसे इलाकों में थोड़ा प्रॉब्लम चल जाता है क्योंकि वहाँ पर बॉडी है, वेल है उधर पानी के लिए। सुभाष नगर सर के इलाकों में पानी का बहुत मसला है, ना यहाँ बोर लगता है ना यहाँ पर किसी की बड़ी वेल है। जितना भी ये लोग निर्भर हैं वो कॉरपोरेशन के पानी पर ही निर्भर हैं। ऑफिसर्स विजिट किए थे, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि हम 8 दिन में करेक्ट करके देंगे। उन्हें प्रॉब्लम जितना भी बता दो उन्हें सही से समझ में ही नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। आते हैं, जो भी जवाब देना है देते हैं, चले जाते हैं।